मायसेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं क्या बोल रहा हूँ, आज का जो सेशन है अर्थमेटिक के ऊपर है, ठीक है। देखिएगा आज जितना सारा सम है अर्थमेटिक, जब मैं करूंगा ना तो आपको तो मतलब अर्थमेटिक से प्यार हो जाएगा। देखिएगा लेवल बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, फिर भी इतने अच्छे से बताऊंगा सही तरीका से कि आप सम मतलब इतने आसानी समझ जाओगे ना। 50% तो आपको लव हो जाएगा आज ही, बाकी 50% मैं क्लास में करा दूंगा, ठीक है। तो देखिएगा ये टाइम नंबर से सम है, क्या बोल रहा है, ए बी सी कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 15, 10 and 12 days, ठीक है। किसी भी काम को ए बी सी 15, 10, 12 दिन में करते हैं, ठीक है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क, तो पहले ले लीजिए ए बी सी, पहले तो निकालना है, ये निकालना है टोटल वर्क है कितना। किसी भी काम को ए 15 दिन में पूरा करता है, बी 10 दिन में, सी 12 दिन में, ऐसा कोई वर्ड ले लीजिए जो ये तीनों से कट जाए, एलसीएम ले लीजिए, तो क्या होगा 60। सपोज कर लीजिए 60 क्या है, टोटल वर्क है। उसके बाद क्या बोल रहा है, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, एक साथ सब काम स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो 60 टोटल वर्क है, तो एक कितने दिन में काम करता है, एक दिन में कितना काम करेगा, 15 दिन में पूरा काम कर रहा है, टोटल वर्क 60 है, एक दिन में कितना कर रहा है, 4। सेम बी, एक दिन का वर्क कितना है, बी का 6, सी का 5। ये लोग क्या बोल रहे हैं, दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days सी हैड टू लीव, मतलब 2 दिन तक सब मिलकर काम किए हैं, तो एक दिन का काम कितना हो गया सभी का, 6, 4, 10, 5, 15, एक दिन में तो 15 काम कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन तक काम सभी किए हैं मिलकर सी के जाने से पहले, तो 15 × 3 = 30, 30 काम तो कर लिए, अब बचा कितना 30, ठीक है, बचा 30। उसके बाद क्या बोल रहा है, ए एंड बी वर्क, ए एंड बी वर्क फॉर मोर 2 डे बिफोर ए आल्सो लेफ्ट द जॉब, ए और बी 2 दिन और काम किए हैं ए के जाने से पहले, तो सी तो चला गया, बचा कितना 30, तो एक दिन का काम कितना है, दोनों को मिलाकर ए प्लस बी 10, दो दिन तक काम किए हैं, दैट मीन्स 10 × 2 = 20, तो 20 काम और चला गया, बचा कितना 10। अब ये जो 10 काम है वो बी अलोन कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, बी काम कर रहा है, तो बी कितने दिन में करेगा, 6 डे में। अब क्वेश्चन पूछा क्या है, द वर्क वॉज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डे, यहां बच्चे बहुत गलती करते हैं, क्या करते हैं, बोलते ये आंसर हो गया, भाई आपसे रिमेनिंग डे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि टोटल वर्क कितना दिन में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो आंसर कभी भी 10/6 कभी हो ही नहीं सकता, क्या होगा आंसर, रिमेनिंग काम जो है बी कर रहा है 10/6, ठीक है। पहले कितना लगा, जब ए बी सी 7 में 2 दिन लगा, फिर ए प्लस बी 2 दिन और काम किए, ठीक है, टोटल 4 डेज, तो आंसर क्या होगा, 4 + 10/6 रिमेनिंग डे, ये हो गया आपका आंसर, कितना सिंपल था। और बहुत सारे टीचर बताएंगे क्या, मतलब समझ ही नहीं पाओगे, 1/x सपोज कर लो, 1/y, वो तो हमको भी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो कंसेप्ट बहुत क्लियर रखिए, कोई सा भी समझ, ये है हमारा सेकेंड सम, क्या है, ये भी टाइम एंड वर्क से ही है, ए बी कैन डू अ पीसेस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ठीक है। तो पहले तो हमें टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टाइम एंड वर्क का जैसा भी सम हो, टोटल सम निकालना, टोटल वर्क निकालना बहुत जरूरी है। ऐसे देखिए ए प्लस बी किसी भी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी एंड सी किसी भी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, सेम ए एंड सी किसी भी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था, पहले समय में एलसीएम ले लीजिए, आपका वो हो जाएगा क्या, टोटल वर्क एलसीएम क्या होगा 60, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी डे ए बी सी ऑल टुगेदर, जब ए बी सी मिलेंगे तो तीनों कितने दिन में काम करेंगे, अगर ए बी किसी भी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन में लोग कितना काम करेंगे, टोटल वर्क 60 है तो 4, सेम ये 5 और ए प्लस सी 6, तो एक दिन का काम कितना हुआ 15। तो देखिए ए प्लस बी 4, बी प्लस सी एक दिन का 5, ए प्लस सी एक दिन का 6, तो कितना हुआ 6, 4, 10, 5, 15, तो आप देख रहे होंगे 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो क्या होगा 2 हो जाएगा, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो टोटल नंबर कितना है, तीनों जब एक साथ में टाइम कितने काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल वर्क 60 है,
और क्या है 15/2, सबको पता है 2 ऊपर चल जाएगा 4, 4 × 2 = 8 days। आंसर कितना इजी है बताइए। इस सम को तो बहुत बच्चे कर ही नहीं पाते हैं, सोचते हैं कैसे करेंगे, इतना वेरिएबल है वगैरह। कितना साइज हो गया, यह है हमारा थर्ड सम, ठीक है। क्या बोला था, पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 6000, किसी टाउन का पॉपुलेशन जो है 6000 है। फिर बोला इफ मेल आर इंक्रीज बाय 5%, मेल 5% से इंक्रीज हुआ एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 9%, इसके वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन बिकम 6500, 500 इंक्रीज हो गया सपोज, ठीक है। तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, बहुत सारे साइड बताएंगे ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, बेकार, टोटल वेस्ट, कुछ करना ही नहीं समय आपको। देखिए मेल कितना बोला 5% एंड फीमेल 9% ना, सपोज कीजिए दोनों ही 5% इंक्रीज होते, दोनों ही 5% इंक्रीज होते तो कितना होता, 600 का 5% कितना होता है 10% हुआ 600, 5% 300, ठीक है। लेकिन मेरा इंक्रीज हुआ कितना है 65, दैट मींस 500, तो 200, वो 200 क्या था फीमेल, 4% जो फीमेल था ना प्लस 4, तभी ना 9% हुआ, तो 4% इक्वल टू 200, तो 4% 200 कितना है 50, तो आपका ये 50 हो जाएगा इंटू 100, 5000 हो गया फीमेल। तो मेल कितना है 6000 में 5000 फीमेल ही है, तो मेल कितना होगा 1000 हो गया, उस सम में था ही नहीं। और आप फर्स्ट टाइम ये सम देखेंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कैसे करें, बहुत सारे बच्चे जो बच्चे का लेवल अच्छा है वो भी सोचेंगे सम कैसे करना है, ठीक है। तो सम में कुछ था ही नहीं, मैं जब बोलूं सही प्रोसेस सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप गवर्नमेंट जॉब के फील्ड में आपको सर्वाइव कर ही नहीं पाओगे बॉस, तो सही तरीका पता होना बहुत जरूरी। यह है हमारा फोर्थ सम, देखिए क्या बोल रहा है, 3 टेबल परचेस कर रहा है 2500 रुपया का पर टेबल, ठीक है। फिर बोला फर्स्ट टेबल सोल्ड कर रहा है 8% प्रॉफिट पे, तो मेरा 2500 एक टेबल दाम है, टोटल टेबल कितना है 3। फिर क्या बोला, सेकेंड टेबल 3% लॉस पे एंड एवरेज सेलिंग प्राइस इज 2575, जब एवरेज कर रहा है ना दोस्तों 75 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब अच्छा 2500 का 25% कितना हुआ, एवरेज बताइएगा, 3% बोल सकते हैं, 1% तो 25 होगा, 2% 50, 3% 75 हुआ एवरेज में हुआ ना। तो देखिए फर्स्ट टेबल सेकेंड टेबल थर्ड टेबल, ठीक है, अगर पहला पे क्या किया है 8% प्रॉफिट, ठीक है, दूसरा पर क्या किया है 3% लॉस, ये मेरा माइनस होगा, और ओवरऑल कितना मेरा आना चाहिए 9%, तभी तो होगा एवरेज 3 3 3 3, तीनों पे 3 3% रहे तभी तो 9 होगा ना। तो 8 और 3 कितना होता है 8 + 3 = 5, तो 5 में कितना जोड़ेंगे 9 होगा 4%, कितना इजी सम था बताइए, कितना इजी सम था। और इस सम को बहुत सारे बच्चे कैसे करेंगे, 2500 निकालेंगे 108 ऐसे, टोटल वेस्ट, कोई फायदा नहीं होगा। आपको सही तरीका पता होना बहुत जरूरी है बॉस, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं करना है, बार बार बोलना गवर्नमेंट जॉब क्या है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप आपको आगे निकलते जाना है। यह है हमारा फिफ्थ सम, क्या है देखिए, इफ ए शॉपकीपर सेल है 1/3 ऑफ एन आर्टिकल, किसी आर्टिकल का 1/3 सेल कर रहा है कितने पे, एट 50% प्रॉफिट, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना 1/3 आर्टिकल 15% पे, तो मेरा 5% हुआ, 1/3 5% हुआ ना। और सेकेंड क्या कर रहा है 1/4 20% प्रॉफिट, तो 1/4 20% कितना होगा 5% हुआ, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग एट 24% प्रॉफिट, तो मेरा टोटल आर्टिकल कितना था, सब लेट कर लीजिए एक ही था, 1/3 + 1/4 कितना होता है, सिंपल है 7/12, वो सिंप्लीफिकेशन के पोर्शन का बता आपको बोल दूंगा कैसे करना है, बहुत इजी है, तो 7/12 आएगा, ठीक है। जब आप माइनस करेंगे तो 5/12 आएगा, तो जो रिमेनिंग 5/12 ना उसको सेल किया कितना 24% प्रॉफिट पे, तो 24% प्रॉफिट कट गया, ये 2 10 हो गया, तो टोटल कितना हुआ 5 5 10 10 + 10 20 हो गया, तो 20% प्रॉफिट हुआ ना, और प्रॉफिट टोटल कितना 62, तो यहां 100 हो जाएगा, तो
तो ये आपका कट जाएगा 1/5 हो जाएगा। और 5 × 62 सबको पता है 16 × 5 कितना होता है 300 और 2 × 5 15 2 × 5 सॉरी 10 तो कितना होगा 310 सीपी हो गया मेरा। कितना इजी था बताइए कितना इजी था ये सम। और बहुत सारे टीचर बताएंगे आपको सीपी लेट करो ये करो एक्स सपोज करो टोटल वेस्ट है ना। हमारा 6 नंबर सवाल ठीक है क्या बोला है सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज 4000 ईच। सेलिंग प्राइस पहला आर्टिकल कितना है 4000 सेकंड आर्टिकल का 4000 फिर क्या बोला फर्स्ट आर्टिकल हैज बीन सोल्ड एट 25% प्रॉफिट पहला आर्टिकल 25% प्रॉफिट पर सोल्ड किया है तो सीपी तो निकालना बहुत जरूरी है। और सीपी का फॉर्मूला सबको पता है 4000 × 100/125 तो मेरा सीपी निकल जाएगा आप काट दीजिए इसको 4/5 80 × 800 × 400 कितना 3200 मेरा सीपी हो गया। फिर क्या बोल रहा है आगे स्टेप में देखिए सेकेंड आर्टिकल का कितने पर लॉस हुआ है वो हमें नहीं पता है। फिर क्या बोल रहा है इफ देयर इज नाइदर लॉस एंड नॉर गेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब ये तुम बेच रहा है ना तो इसको ना लॉस हो रहा है ना गेन हो रहा है अगर लॉस गेन ना हो तो मेरे पॉकेट में तो 8000 आना ही चाहिए लेकिन क्या हो रहा है इसको कुछ लॉस हो रहा है 3200 प्लस कितना होता है 4800 ठीक है तो पहला तो 800 प्रॉफिट हुआ ही है तो 800 तो लॉस हो रहा है ना जो 800 है वो अनलिमिटेड लॉस हो रहा है हमको ठीक है पहला पर तो मेरा 800 × 4800 × 100 ये 100 कट गया और उसके बाद से 8 से काट दीजिए आपका 100 × 6 50/3% मेरा लॉस होगा। समझ पाए ना सवाल कैसे किए सिंपल तक कुछ था ही सबने 3200 मेरा सीपी हुआ ठीक है वहां 25% प्रॉफिट हो रहा था ठीक है तो 800 रुपए जो था यहां पर जो उसको ना नाइदर लॉस ना नाइदर गेन हो रहा है लेकिन क्या दिख रहा है 800 का उसको लॉस हो रहा है वो 800 गया कहां 4800/800 समझ पाए ना इजी था बहुत। ये है हमारा 7 सम क्या बोला व्हाट विल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 13000 एट द रेट ऑफ 7% फॉर 3 ईयर। पहले तो बता दो नॉर्मल बच्चे या कैसे करेंगे जो इंस्टीट्यूट बताए होंगे वैसे करेंगे अमाउंट निकालना सीआई निकालना है तो अमाउंट 13000 है फिर इनटू 1 + r/100³ फिर निकाले जाएगा 7/100³ टोटल वेस्ट पता है कितना टाइम लगेगा 2 मिनट लगेगा आपको और टाइम का वैल्यू बहुत ज्यादा एग्जाम में इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ प्रोसेस एंड ट्रिक एंड सही गाइडेंस बहुत जरूरी है अदरवाइज आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या है 7% 3 ईयर के लिए ना मास्टर फॉर्मूला है कभी भी सम में दिखाई दे आपको 7% एट द रेट ऑफ 3% तो याद रखिएगा 7% पूछ दिया 3 इयर्स के लिए तो 22.5 होता है उसके बाद ये 13000 रहे 13 लाख रहे 1,30,000 रहे 13 करोड़ रहे कुछ भी रहे आपको क्या करना है 100 से डिवाइड करना है 2 जीरो कट गया 130 × 22.5 उसके बाद नीचे 10 आ जाएगा पता होगा वो डेसिमल हटाने के लिए ये कट गया। अब 13 × 225 कैसे करना है 225 × 10 कितना होता है 2250 और 15 है ना तो 225 × 3 = 675 कितना हो गया 2925 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। और जितना बाकी सब फॉर्मूला है इसकी इस ये वाला मास्टर फॉर्मूला मैं क्लास में करा दूंगा इजीली ठीक है और मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बहुत सारा इसको लेकर बच्चे लोग डरते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है यही तो बात है 2017 में तो जॉब लेना है बॉस आप लोग को किसी भी कीमत पर। ये है हमारा सम 8 नंबर द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 4 सेक्शन ए बी सी डी टुगेदर इज 60% तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना है 60% ये सारे सम पढ़ने के बाद ना बहुत सारे बच्चे तो करते ही छूते तक नहीं है सम को और पता है करने में टाइम लगेगा सम पढ़ने में 15 सेकंड एंड समझने में 10 सेकंड जो बच्चा पता तो समझ जाएगा और करने में 15 सेकंड 45 सेकंड में सम हो जाएगा बॉस और बहुत बच्चे कर नहीं पाते हैं बोलते भैया बहुत हार्ड समय कर नहीं पाते। देखिए ए बी सी डी कितना है एवरेज 60% है द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ए बी सी डी इंडिविजुअल भी देगा 45, 50, 72, 80% सारा का दिया गया है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी टुगेदर इज 40 ए बी दोनों मिला कितना है 48% है एंड दैट ऑफ स्टूडेंट ऑफ बी एंड सी टुगेदर कितना 60% है तो बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए एंड बी बताइए क्या होगा जब देखिए स्टूडेंट ऑफ सेक्शन बी एंड सी
बी प्लस सी दिया है कितना, सॉरी यहां पर ए एंड डी होगा, तो बी सी दिया हो कितना दिया हुआ, बी सी सी दिया हुआ है, तो बाकी ए एंड डी कितना होगा, कितना होगा वो 16 होगा ना, ए एंड डी तो 16 होगा, एवरेज कितना 60 है, तो रेशियो तो करने बहुत इजी है, एलिगेशन मेथड पता है सबको, इंटीग्रल पता है ना, ए का 45 है एंड डी का 80 है और एवरेज कितना है 60, ए एंड डी एवरेज कितना है 60 और इसका कितना है 45 80, एलिगेशन यूज करना आता ही होगा, नहीं आता होगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, बहुत इजी है एलिगेशन, कितना होगा 20 15, काट दीजिए 4/3 आंसर हो गया। कसम से बोल रहे हैं जो बच्चे जिसका लेवल बहुत हाई है ना वो भी ये सब नहीं कर पाएंगे, और बहुत सारे मतलब वेबसाइट बताते होंगे करने का तरीका, टोटल वेस्ट है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सम को समझना बहुत जरूरी है, और किस ढंग से करना है सही तरीका, अर्थमेटिक बहुत इजी है, बहुत इजी अर्थमेटिक टोटल, आज तो मैं बोल रहा हूँ 50% तक आपको हो गया है सम देख कर ही, बाकी 50% तो मैं तो क्लास में करा दूंगा आपको 100%। ये हमारा नेक्स्ट सम देखिए, रुपीज 5625 डिवाइडेड अमाउंट ए बी सी सो दैट ए रिसीव्ड 1/2 एस मच एस ऑफ बी एंड सी, ठीक है, तो क्या बोल रहा है इतने रुपए को डिवाइड करना है ए बी सी में, लेकिन ए कितना रिसीव करता है 1/2 एस मच एस ऑफ बी एंड सी टुगेदर जितना रिसीव करते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना 1/2 ऑफ बी प्लस सी, तो जब ये इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये 2a इक्वल टू बी प्लस सी, और आपको करना क्या है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है 5625, तो ए बी सी के फॉर्म लाने के लिए करना क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक ए इक्लूड करेंगे तो यहां पर एक ए बढ़ जाएगा दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू 5625, ठीक है, तो ए निकल जाएगा यहां से 5625 डिवाइडेड बाई 3 निकाल दीजिए कितना होगा, इसको काट दीजिए 3 1 3 2 6 8, ठीक है 22 7 5, ए का निकल गया, सेम बी का कैसे करना है, क्या बोला है बी रिस्पेक्टिवली 1/4 ऑफ व्हाट ए एंड सी, तो 1/4 ऑफ ए एंड सी, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे क्या होगा बी 4 इक्वल टू ए प्लस सी, तो एक बी डाल लाना पड़ेगा इक्वेशन करने के लिए, तो एक बी यहां भी बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5b इक्वल टू 5625, सॉल्व कर लीजिए कितना होगा 11 55 1 2 2 कर दिया 1 1 2 5, ठीक है, अब क्या बोला सब में तो अब कुछ है नहीं, द शेयर ऑफ ए इज मोर देन बाई बी, तो ए कितना है ए माइनस बी कितना है, ए कितना है 1875 माइनस 1125, आंसर हो गया, आंसर हो गया, कुछ था ही नहीं समय 725.750। तो मैं क्या बोल रहा हूं अर्थमेटिक इतना इजी है ना, बच्चे लोग तो एग्जाम में टच ही नहीं करते हैं, वो सारा तरीका बताऊंगा कैसे करना है अर्थमेटिक को, ठीक है, आप अगर बोलोगे तो मैं चैप्टर वाइज सारे मतलब जितने भी चैप्टर है परसेंटेज हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस हुआ पाइथन सिस्टम हुआ टाइम एंड वर्क हुआ जितने भी अर्थमेटिक चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन एलिगेशन मैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मतलब ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, आप कॉमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको, और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक ये पहुंचे, क्योंकि 2017 में तो इस बार आपको आगे निकलना है, क्योंकि मेरा तो एम ही यही है एवरेज स्टूडेंट को मोटिवेट करना और 2017 में जॉब दिलाना, और अभी तो कुछ मोटर नहीं है, क्या है कि अभी तो कोई फिलहाल कोई जॉब मतलब फॉर्म नहीं निकला है, LIC डबल AO एंड BSF का कितना फॉर्म रिटर्न होने वाला है ये दो चीज अब डायरेक्ट कर रहा, बाकी तो कुछ नहीं है, सो अभी के लिए थैंक यू, और मेरा बहुत सारा वीडियो आने वाला है रीजनिंग के ऊपर डैम सेंचुरी LIC डबल AO बहुत सारे नोट्स इंग्लिश मस्ट इंग्लिश देखना मत भूलिएगा इंग्लिश का वीडियो, मैं विश्वास दिलाता हूं मैं बच्चों का सेक्शनल कटअप में डरते हैं कि बस इंग्लिश में सेक्शनल कटअप क्लियर हो जाए, मेरे वीडियो देखने के बाद ना मेरे क्लास करने के बाद वो सोचेंगे ना आउट ऑफ 40 या आउट ऑफ 30 20 प्लस कैसे लाए इंग्लिश का क्लास करने के बाद, देखिए ना बहुत ही मजा आएगा, आप तो मतलब क्या
देख बदल रहा है। सो थैंक यू।